हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल आशीष सर। आज टाइम ऑफ सप्लाई की पार्ट 3 पर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जाएंगे, जिसमें सर्विसेज के बारे में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 3 कॉलम्स दिए हैं, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, टाइम ऑफ इनवॉइस एंड टाइम ऑफ पेमेंट। इसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान देना है। जो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है, यानी आपने जो सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात कर रहे हो, अगर वो सर्विसेज की डेट और आपके इनवॉइस के डेट में 30 डेज का फ़र्क आ रहा है, कितने दिन का फ़र्क बोल रहा हूँ मैं, 30 डेज का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो 30 डेज को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, यानी ऐसा बोल सकते हैं, अगर हमारी सर्विसेज एंड इनवॉइस में, अगर हमारी सर्विसेज एंड इनवॉइस में 30 डेज के अंदर का फ़र्क है, तो हमें इनवॉइस एंड पेमेंट दोनों में से कोई अर्लियर वाला लेना है, इनवॉइस एंड पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर सर्विस और इनवॉइस दोनों में 30 डेज या उससे ज़्यादा का डिफरेंस आता है, तो हमें वहाँ पर सर्विस एंड पेमेंट लेना है। यानी अगर इसको मैं शॉर्ट एंड स्वीट में कहूँ, तो हमें आईपी एंड एसपी का फंडा देखना है। आईपी और एसपी होता क्या है, अगर आप में 30 डेज के अंदर का फ़र्क है, ठीक है, 30 डेज और अंदर का फ़र्क आता है तो आपको आईपी देखना है, और 30 डेज या उससे ज़्यादा का फ़र्क आता है तो वहाँ पर आपको एसपी देखना है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको इनवॉइस एंड प्रोविजन में, अगर आपको सर्विस एंड इनवॉइस में 30 डेज या उसके अंदर का फ़र्क आता है, तो आपको आईपी मतलब इनवॉइस एंड पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बट अगर 30 डेज या उससे ज़्यादा का फ़र्क आता है, तो एसपी मतलब सर्विस एंड पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको जो कॉलम्स दिए उसको आपको एज इट इज़ यहाँ पर बना लेना है, ठीक है। अब ध्यान देने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर आपको इनवॉइस जो सर्विस की डेट दी है और इनवॉइस की डेट दी है 16 सितंबर, एक महीना अगर आप ऐड करो तो यहाँ पे 16 अक्टूबर होना चाहिए था। ये जो डेट है वो 16 अक्टूबर के पहले की डेट है। तो आपको कंपेयर क्या करना है, इनवॉइस एंड पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, इनवॉइस एंड पेमेंट विच एवर इज अर्लियर मतलब क्या, 5/10 या 6/10 विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अर्लियर क्या मिलने वाला है भैया, यहाँ पर आपको अर्लियर मिलने वाला है, ठीक है, 5/10 क्या मिलने वाला है यहाँ पर आपको, 5/10। तो इसको हम लोग यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। अब देखते हैं सेकेंड से क्वेश्चन में दिया 6/10 और 5/11, 6 अक्टूबर के बाद आना चाहिए था, यहाँ पे 6 नवंबर आना चाहिए था। तो एक दिन पहले का डेट है, यानी 30 डेज के अंदर का गैप आप आ गया, तो यहाँ पर आपको इनवॉइस एंड पेमेंट विच एवर इज अर्लियर का फंडा यहाँ पर देखना है। तो ये दोनों में से अर्लियर डेट आपकी क्या लग रही है, आपको यहाँ पर आपको अर्लियर डेट लग रही है 21st October, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। थर्ड में देखते हैं 23rd October और 26th November, तो 23rd October के बाद 26th November आ रहा है, ठीक है। तो 26th October के बाद 26th November आ रहा है, यानी यहाँ पे 30 डेज या उससे ज़्यादा का फ़र्क है। इन दैट केस हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आपका सर्विस का डेट एंड यहाँ पर आपका पेमेंट का डेट विच एवर इज, ठीक है, आपको यहाँ पर ये दोनों डेट में से जो पहला डेट है दैट इज 23rd October, उस डेट को हम लोग यहाँ पर क्या मानने वाले, अपना प्लेस ऑफ सॉरी टाइम ऑफ सप्लाई। फिर सेम 6/10 दिख रहा है और 16/10 दिख रहा है, तो 6/10 और 16/10 में 10 दिन का ही फ़र्क है, यानी 30 दिन के अंदर का फ़र्क है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 16/10, ठीक है, 16/10 एंड 1/10 दोनों में से जो अर्लियर वाला रहेगा उसमें से आपको क्या लेना है, एक टाइम ऑफ सप्लाई। तो इसका अर्लियर हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1/10 मिल रहा है, ठीक है, ये हमारा अर्लियर वाला फंडा हो गया। सेम 8/10, 10/11, तो 30 दिन से ज़्यादा का फ़र्क हो जा रहा है यहाँ पर, तो इन दैट केस 8/10, ठीक है, हम क्या लेने वाले, 8/10 लेने वाले हैं और 16/11 विच एवर इज अर्लियर वाला फंडा। तो यहाँ पे 8/10 हमारा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद 12/10, 12 अक्टूबर एंड 10 नवंबर, तो यहाँ पर जो आपको डेट दिया है वो दोनों का डेट जो है 30 डेज और उसके अंदर का डेट है। इन दैट केस आप 10/11 और 12 दोनों में से जो अर्लियर वाला है वो हमारा क्या माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई।
तो हमारे लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 10:11 हो जाएगा, ठीक है। 15:10 और 10:11, यहाँ पर जो आप देखोगे यहाँ पर जो है 30 दिन और उसके अंदर का फ़र्क है, 30 दिन और उसके अंदर का फ़र्क है, तो इसका मतलब 10:11 और 19:11 विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पर कौन सा हमारा डेट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमको 10:11, ठीक है, क्लियर। आई होप आपको समझा होगा, किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके के क्वेश्चंस है, यहाँ पर आपको RCM की फैसिलिटी है। अब यहाँ पे सर्विसेज में जब RCM की फैसिलिटी है, RCM की जब कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहाँ पर आपको यहाँ लेना है 60 डेज, कितना लेना है 60 डेज, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं टाइम ऑफ प्रोविजन पेमेंट एंड ऑल सब कुछ हमको दिया गया है, ठीक है। इनवॉइस का क्वेश्चन दिया है, डेट ऑफ सर्विसेज का कॉलम हमको दिया है, ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट का कॉलम दिया, डेट ऑफ डेबिट ऑफ बैंक अकाउंट यानी किस दिन हमारे अकाउंट से डेबिट होगा। यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर अपनी जो सर्विस के डेट है उसकी जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 30 डेज, ठीक है, यहाँ पर सॉरी 60 डेज का एक कॉलम एडअप करने वाले हैं, 60 डेज फ्रॉम द इनवॉइस, ठीक है। तो हम लोग 60 डेज यहाँ पर एक कॉलम क्या करने वाले हैं, एडअप करने वाले हैं, कोई तकलीफ। अब 60 डेज हमारा कैसे होगा, यहाँ पर देखो आपके पास 16:11 दिख रहा है, ठीक है। अब 16:11 से लेके 60 दिन अगर आप काउंट करोगे तो आपको कहाँ यहाँ पे 60 दिन कब आएगा, 15:1 आएगा। आप काउंट करके आप देखो कि आपको 60 डेज कब आ रहा है, 16:11 से 16 दिसंबर हो गया 30 डेज, फिर 16 दिसंबर से लेके 16 जनवरी हो गया 30 डेज, लेकिन यहाँ पर दिसंबर में एक दिन एक्स्ट्रा है 31 का, इसलिए यहाँ पर 15 आ जाएगा। सेम यहाँ पर सेम डेट दिया, इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, एज इट इज करेंगे, कोई तकलीफ नहीं। तो यहाँ पर हम लोग 60 डेज का एक और कॉलम बना देंगे। अब 16:2 है तो 16:2 से लेके 16:3 एक महीना हो गया, उसमें एक दिन कम होगा, दो दिन वहाँ पर कम है तो यहाँ पर दो दिन हमको यहाँ पर, लेकिन मार्च में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा 31 का, तो और यहाँ पर आपको एक दिन एक्स्ट्रा यानी 17, ठीक है, 17/4/2020 का डेट आ जाएगा। सेम यहाँ पर 60 डेज ऐड करो, 26 से लेके 26 फरवरी एक महीना हो गया और 26 अप्रैल दो महीना हो गया, सॉरी मार्च दो महीना हो गया, लेकिन यहाँ पर अप्रैल में दो दिन कम थे तो यहाँ पर आपको दो दिन यहाँ पर कम करना पड़ेगा इसके हिसाब से। तो आप कैलकुलेट अगर करोगे तो आपको यहाँ पर आपको मिलेगा 27/3/2020। किसी भी तरीके का डेट्स में अगर कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। 26 से लेकर 26 फरवरी एक महीना हो गया, 27/28 यानी टोटल हो गया 32 और आपको यहाँ पर चाहिए 60, ठीक है, तो 32 और इसको माने तो 27/28 होता है, तो आपको 26 से लेकर 26, ठीक है, 31 डेज, 27/28 फरवरी हो गया 33 डेज और 60 में से 33 गया तो 27 आ जाएगा आपका 60 डेज, ठीक है। यहाँ पर भी सेम आपको 5/4 आ जाएगा, रीज़न क्या है 5/4 आने का, यहाँ पर आपको 4/2 से 4/3 एक महीना, लेकिन 4 फरवरी से लेकर 28 फरवरी यानी यहाँ पर आपको मिलेगा टोटल 24 डेज, मार्च का 31 डेज, जो भी डेज रिमेनिंग हो जाएगी वो डेज आ जाएगी यहाँ पर अप्रैल में, ठीक है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको करना है बी, दैट इज़ आपका 60 डेज फ्रॉम द इनवॉइस, डेट ऑफ एंट्री ऑफ पेमेंट, यानी आपको जो तीन कॉलम दिए हैं आपको उसमें से एक अर्लियर वाला लेना है। तो देखो यहाँ पर अर्लियर कौन सा है, 15, 16 और 11, तो यहाँ पर 11 वाला तारीख आपका क्या हो जाएगा, अर्लियर हो जाएगा, कोई तकलीफ। उसके बाद 15/1, 11/1 और 10/11, यहाँ पर से अर्लियर वाला कौन सा डेट है, 10/11 हो जाएगा, ठीक है। 17/4, 11/2, 17/2, तो यहाँ पर 11/2 आपका क्या हो जाएगा, अर्लियर वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि जितना भी अर्लियर वाला कॉन्सेप्ट है वही ज़्यादातर क्या माना जाता है, आपको टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है। तो फोर्थ कंडीशन में आपका वही टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, एंड फिफ्थ वाले कंडीशन में भी देखोगे तो आपका जो 2 अप्रैल है वही आपका क्या माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। आई होप आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में दिया, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस, द रेट ऑफ जीएसटी वाज डिक्रीज 5% इफ विद इफेक्ट फ्रॉम 13 अक्टूबर, यानी 13 अक्टूबर के पहले, ठीक है,
द रेट वॉज 18%, यानी पहले रेट 13 अक्टूबर के पहले का अगर हमें टाइम ऑफ सप्लाई मिलता है तो हमको 18% लेना है, एंड 13 अक्टूबर के बाद हमको लेना है तो वहाँ पर 5% आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, पहले आपको ये सारे कॉलम्स एज इट इज़ यहाँ पर बनाने हैं। इट इज़ अ नॉर्मल सम जहाँ पर आपको देखना है कि सर्विस के बाद आपने इन्वॉइस कब इशू किया, एक महीने के अंदर, यानी यहाँ पर आपने एक महीने के अंदर अगर इन्वॉइस इशू किया होगा तो आपका लिए आई और पी, इन्वॉइस एंड पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो देखो 17 सितंबर 15 अक्टूबर, तो एक महीने के अंदर का डेट है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों में से जो अर्लियर वाला है वो डेट लेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल हमें अर्लियर मिल रहा है 15/10/2019, ठीक है। उसके बाद 79 और 16/10, यहाँ पर आप जब देखोगे तो यहाँ पर आपको 30 डेज के अंदर का डेट मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या देख रहा है विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पर आपका अर्लियर डेट कौन सा है, 15/10 का अर्लियर डेट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 17/9 और 8/9, यहाँ पर एडवांस आ गया, तो आप समझो कि इट इज़ एन 30 डेज का अंदर का गैप, तो विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पर आपका अर्लियर आ जाएगा 8/9 आ जाएगा, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। तो आपका डेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आप समझो कि आपके लिए जो डेट है वो क्या रहेगा, 8/9 होगा। फिर 79 से 14, यानी 30 दिन के अंदर का फर्क है, तो यहाँ पर आपका अर्लियर डेट हो जाएगा 14/10 and 29, विच एवर इज अर्लियर, तो सॉरी यहाँ पर आपका डेट हो जाएगा 29 हो जाएगा, क्लियर। तो आपके लिए ये डेट हो गया, यानी आपको पहले कंपेयर करना है कि भैया आपका 30 डेज और उसके अंदर का फर्क है या नहीं, फर्क है तो उसके हिसाब से आपको आई और पी विच एवर इज अर्लियर का फंडा करना है, ठीक है। 30 डेज के अंदर का फर्क है, ये दोनों कॉलम में 30 डेज के अंदर का फर्क आता है, तो आपको क्या करना है, आई एंड पी लेना, आई और पी लेना है, ठीक है। और अगर 30 डेज के बाहर का फर्क आता है तो एस और पी विच एवर इज अर्लियर वाला। अब देखो ये जो डेट आई है वो डेट को हम 13 अक्टूबर से कंपेयर करते हैं, ये जो डेट है, ठीक है, ये जो डेट हमको यहाँ पर दी है कि 13 अक्टूबर के पहले 18% लगेगा, 13 अक्टूबर के बाद 5% लगेगा, तो जो 18 तारीख है वो 13 अक्टूबर के बाद आती है, तो वहाँ पर लगेगा बेटा 5%। 15 अक्टूबर सेम यहाँ पर भी लगेगा 5%। उसके बाद 8/9, ये 13 अक्टूबर के पहले का डेट है, तो यहाँ पर लगेगा 18%, और ये भी 13 अक्टूबर के पहले का डेट है तो वहाँ पर भी लगेगा 18%। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है, 15 लाख का 5% आ जाएगा आपका 75,000, 20 लाख का 5% आ जाएगा बेटा 1 लाख रुपीज़, ठीक है। उसके बाद 25 लाख का 18% आ जाएगा 4,50,000, ठीक है, और 30 लाख का 18% आ जाएगा 5,40,000। तो इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अब यही इसी तरीके का सब आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करोगे, इसमें किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टीज आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। याद करने का तरीका सिंपल है बेटा, सर्विस और पे इनवॉइस नीचे दोनों में 30 दिन के अंदर का फ़र्क है, तो आपको क्या करना है, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। और अगर सर्विस और इनवॉइस में 30 दिन या उससे ज़्यादा का फ़र्क आता है तो इन दैट केस आप क्या करोगे, ये वाला कॉलम या पेमेंट का कॉलम विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। 30 दिन के अंदर का फ़र्क आता है तो आई और पी, 30 दिन से ज़्यादा का फ़र्क आता है तो एस एंड पी, आने के बाद आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा, उसके बाद आप क्या करोगे, रेट का कॉलम बनाओगे एंड देन GST कैलकुलेट कर दोगे। इसी तरीके से आपका टाइम ऑफ सप्लाई इसी ख़त्म होता है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, चाहिए।